डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं EMA 5 स्ट्रेटजी 1.3 की। यह स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनी है और उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में काम करना चाहते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेटजी बनाई थी EMA 5 स्ट्रेटजी 1.0, जो कि उन लोगों के लिए थी जो इंट्राडे में काम करना चाहते हैं। लेकिन अब जो टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे वे आपके स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से रहेंगे। इसके अंदर वे लोग काम कर सकते हैं जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, और अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आपको इन द मनी के अंदर काम करना होगा, या फिर कह सकते हैं डीप इन द मनी के अंदर काम करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले कंसेप्ट की। इसके अंदर एक कंसेप्ट का यूज होता है, उसको बोलते हैं अबेंडेंट कैंडल कंसेप्ट। अबेंडेंट कैंडल कंसेप्ट एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर अगर आपको अप ट्रेंड के अंदर अबेंडेंट कैंडल मिलता है तो वहां से चांस होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज होने का, और अगर आपको अबेंडन कैंडल, जैसे कि आप यहां देखिए, अगर आपको अबेंडन कैंडल मिलता है बॉटम पे तो मार्केट का चांस होता है वहां से अपसाइड के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर चेंज होने का। डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में चेंज होना और अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में चेंज होना, ये दोनों ही काम होते हैं अबेंडन कैंडल के। तो यह एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। यह काम करती है इस लॉजिक पे कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा और अबेंडन कैंडल से दूर हो जाएगा, जैसे आप चेक कर लीजिए इन तीनों कैंडल्स को, इन तीनों के अंदर कोई भी कैंडल EMA 5 को टच नहीं कर रही है। जो कैंडल EMA 5 को टच नहीं करती उसी को अबेंडन कैंडल बोलते हैं। इसके अंदर लंबी चौड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी कैंडल EMA 5 को टच कर रही है और कौन सी नहीं। जो नहीं कर रही है वह अबेंडन हो जाती है, और जो टच कर रही है वह अबेंडन कैंडल नहीं है। तो ये कैंडल्स, ये दोनों कैंडल्स भी अबेंडन कैंडल्स हैं। तो जो भी कैंडल EMA 5 को टच नहीं करती उसको हम अबेंडन कैंडल समझ सकते हैं। डिफरेंस होता है तो इस बात का कि हमें ट्रेड कहां मिलती है, कौन सी अबेंडन कैंडल पे हमें कैसी ट्रेड मिलेगी और कब मिलेगी, यह है लॉजिकल बात। इसके अंदर अब लॉजिक की बात कर लेते हैं कि कब हमें सेल की ट्रेड मिलती है, कब हमें बाइंग की ट्रेड मिलती है। जैसे कोई अप ट्रेंड चला जा रहा है, अप ट्रेंड के बाद एक अबेंडन कैंडल दिखाई देती है, अबेंडन कैंडल जैसे ही दिखाई देती है हम उसके ऊपर एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक होता है कि अबेंडन कैंडल के बाद की जो कैंडल होती है, अगर वह अबेंडन कैंडल का लो काट देती है और क्लोजिंग दे देती है, जैसा कि यहां पे आप देख रही हैं अबेंडन कैंडल के आगे वाली कैंडल ने इसका लो काट दिया है, यहां पे लो इसका कट चुका है, और जो अबेंडन कैंडल के बाद में आने वाली कैंडल है उसका हाई अबेंडन कैंडल से कम है, सेलिंग की केस की बात हो रही है कि अबेंडन कैंडल से उस कैंडल का हाई कम होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हाई कम है और इसका हाई ज्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहां पे आप चेक कीजिए सेल पोजीशन बनी है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको एरो से मार्क कर देता हूं, मैंने यहां पे इसको एरो से भी मार्क कर दिया है। यहां पे आपको सेल पोजीशन मिलती है, यहां पे हम सेल लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पे आपको सेल पोजीशन मिल जाती है, सेलिंग यहां पे शुरू हो चुकी है, और यह कहां तक जाएगी, यह सेलिंग पोजीशन कंटिन्यू रहती है जब तक हमारा टारगेट नहीं आ जाता। और टारगेट क्या है दोस्तों, टारगेट की बात कर लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन अगर बनाते हैं हम यहां पे, और स्टॉप लॉस हमें लगाना होता है अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का सबसे बड़ा हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। अबेंडन कैंडल से पहले हमारे 5 कैंडल्स हैं, इन सब में सबसे बड़ा हाई अबेंडन कैंडल का हाई ही है, तो उसी को हम अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं। स्टॉप लॉस लगा चुके हैं, टारगेट की बात करेंगे। टारगेट हमारा मिला है यहां पे, यहां पे आप चेक कीजिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.41 का आया है। हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.41 आता है या 4 से ज्यादा का आता है वहां पे हमें एग्जिट मिल जाता है। यहां पे आप चेक कीजिए, हमें यहां पे एग्जिट मिल चुका है।
इसकी खास बात यह है, यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा वह हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 से ज़्यादा का ही होगा। अगर हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर इंट्राडे मिल जाता है तो 1/4 का मिल सकता है, लेकिन अगर वही टारगेट हमें गैप अप के अंदर मिलता है या गैप डाउन के अंदर मिलता है, मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वह हमारा 1/4 से ज़्यादा का भी हो सकता है। हो सकता है वह हमारा टारगेट 1/8 हो जाए या 1/10 हो जाए, तो वह डिपेंड करता है हमारा कितना गैप अप हुआ है या कितना गैप डाउन हुआ है। यह बात हो रही है सिर्फ टारगेट की। तो इसके अंदर आप देखिए 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 251 पॉइंट का टारगेट है। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आपको दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं ऐसी ही कोई बाइंग ट्रेड की। मैंने यहां पे बताया है आपको पर्पल कलर का जैसे निशान आता है हम एग्जिट कर लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं पर्पल कलर के निशान से। पर्पल कलर का निशान यहां पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे हम दिखा देते हैं, यहां पे हमें एग्जिट मिलता है। यहां पे हमें एग्जिट मिल चुका है, यहां पे हमें सेलिंग मिली थी, सेलिंग के अंदर एंट्री मिली थी। यहां पे हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं या फिर हम इसके अंदर डीप इन द मनी का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, या उसको पुट बाइंग भी बोल सकते हैं, इसको यहां पे हम पुट बाइंग भी कर सकते हैं। यहां पे हमें एग्जिट करना होता है। तो यह ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अबेंडन कैंडल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहां पे हमें बाइंग कब मिलता है। बाइंग के लिए आपको कंडीशन की बात करें तो वहां भी हमें देखना होता है अबेंडन कैंडल। अबेंडन कैंडल वह कैंडल होती है जो ईएमए से दूरी पे बनी होती है, जिसका ईएमए से कोई लेना देना नहीं होता। यहां पे देखेंगे अबेंडन कैंडल के बाद में जो कैंडल बनी है उसने इसका हाई कट कर दिया है। ये केस है दोस्तों बाइंग का। बाइंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, बाइंग के अंदर जो भी अबेंडन कैंडल होती है उसके बाद में आने वाली कैंडल को उसका हाई काटना होता है, और अबेंडन कैंडल का लो बड़ा होना चाहिए उसके बाद में आने वाली कैंडल से। आप देखिए अबेंडन कैंडल का लो इससे कितना नीचे है, तो यह कंडीशन हमारी बनती है बाइंग की। यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन मिलती है। लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और यहाँ पे आप चेक करेंगे टारगेट की, तो टारगेट दोस्तों आया नहीं है यहाँ पे, तो हमारा एग्जिट कहाँ होगा। अब बात आती है एग्जिट की। एग्जिट हमें होगा पर्पल कलर के निशान द्वारा। पर्पल कलर का निशान हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे हमें पर्पल कलर का निशान मिल चुका है, और यहाँ पे हमें एग्जिट भी मिल चुका है। हमारा एग्जिट यहां पे हो जाता है। तो हमें यहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 0 है, और इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहां पे अब स्टॉप लॉस की बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है। स्टॉप लॉस हमें मात्र 100 रुपए का हुआ है, मतलब यहां पे हमारे 100 पॉइंट स्टॉप लॉस के अंदर चले गए हैं। EMA5 स्ट्रेटजी के अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग रखनी होती है, अब इसकी बात करते हैं। EMA5 स्ट्रेटजी के अंदर हमें ये सेटिंग रखनी होती है। ऑर्डर साइज हमारा 15 का होना चाहिए। पिना बिडिंग के अंदर हमारा 1 होना चाहिए। कमीशन हमारा 0.01 होना चाहिए। इन तीन सेटिंग्स को करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आप सीधा स्ट्रेटजी टेस्टर में आ जाइए। यहाँ से आपको मैं नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ, जो कि पिछले 3 महीने का प्रॉफिट है हमारा 65,600। ये दोस्तों प्रॉफिट हमारा पिछले 3 महीने का है, जब से यह स्ट्रेटजी हमारे पास चल रही है। आज तक का प्रॉफिट है दोस्तों कि हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 29 दिसंबर, वहाँ तक हमारा यह प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। तो हमारा ओवरव्यू के अंदर ये इतना निकल के आ रहा है, 3 महीने के अंदर है। अगर आप मंथली इसको निकालना चाहते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो करीब 20,000 प्लस का ही प्रॉफिट इसमें निकल के आपको मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला ट्रेड कब मिला था। 18 सितंबर को हमारा पहला ट्रेड मिलता है, और 18 सितंबर को ही 3 बजे उसको एग्जिट मिल जाता है। तो हम सीधा मूव करते हैं 18 सितंबर पे। यहाँ पे मैंने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है इसके अंदर, आप चेक कीजिए। यहाँ पे बाइंग मिली थी, यहाँ पे हमें बाइंग मिली है, और यहाँ पे हमारा बाइंग का स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। आप पर्पल कलर का निशान देख के पहचान सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, मतलब यहाँ से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। वैसे तो यह स्ट्रेटजी आपकी पूरी तरीके से एल्गो स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जितने भी सिग्नल मिलते हैं उन पे आपको ट्रेड मिलेगी, और जितने भी सिग्नल मिलते हैं स्टॉप लॉस के या टारगेट के, वहां पे आपको एग्जिट करवा दिया जाएगा। अगर आप इसको एल्गो के साथ यूज करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिकली ट्रेड लेता है और ट्रेड काट देता है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा इन सिग्नल्स का। जैसे ही अबेंडन कैंडल मिलेगी उसके बाद आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा। जैसे ही बाइंग सिग्नल मिलेगा आप बाइंग करोगे, और जैसे ही एग्जिट मिलेगा आपको एग्जिट करना होगा।
तभी ये काम करेगी। यहां पे देखिए, बाइंग मिली और एग्जिट हो गया। बिल्कुल आपको एक रोबोट की तरह काम करना होगा, अपना दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे ही आप अपना दिमाग लगाओगे, आप लॉस के अंदर चले जाओगे, क्योंकि आप एक दो स्टॉप लॉस देख सकते हैं, लेकिन यह स्ट्रेटजी आपको स्टॉप लॉस दिखा सकती है, यह स्टॉप लॉस दिखा सकती है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत बार होंगे, लेकिन इसके अंदर जो टारगेट मिलेंगे आप उनके बराबर पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करते हैं, तो आप इतना पैसा नहीं बना सकते। अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के अंदर यह स्ट्रेटजी आपको एग्जिट करवा रही है, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनी है, फिर से इसका स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टारगेट फिर से नहीं आया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 259 रुपीज का है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और यह इंट्राडे आ चुका है और विद इन 6 to 7 कैंडल्स में आ चुका है। 15 से 20 मिनट में इसने स्टॉप लॉस दे दिया है। स्टॉप लॉस ऐसी कंडीशन के अंदर अगर स्टॉप लॉस होता है, तो उसके अंदर हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस 100 रुपीज का होगा। आप यहां चेक कीजिए, हमारा 100 के आसपास का स्टॉप लॉस हुआ है, जबकि एक्चुअल स्टॉप लॉस हमारा 269 रुपए का था। यहां पे हमारा 150 पॉइंट बच चुका है, क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है इंट्राडे मैक्सिमम 100 रुपए का होगा। लेकिन अगर बात की जाए, अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए, अगर इसके अंदर आप होल्डिंग करते हैं, अगर आप 3 बजे के आसपास कोई पोजीशन आपको मिलती है तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है, उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो प्लस में ही रहेगा। यहां पे आप देखिए, फिर भी दोबारा से स्टॉप लॉस हुआ है। यहां पे देखिए आपका, यहां पे ट्रेड मिलता है, फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है। यह स्टॉप लॉस भी आपको दिखा देता हूं कि कितने पॉइंट्स का है। यहां भी हमें सिर्फ 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद बारी आती है अगली ट्रेड की। यहां पे हम देखेंगे कि फिर से हमें ट्रेड मिलती है, यहां पे फिर से स्टॉप लॉस हुआ है और स्टॉप लॉस इस बार 180 पॉइंट्स का था, लेकिन हमारा जो 100 रुपीज सेट किया हुआ है कोडिंग के अंदर, वही स्टॉप लॉस आपको यहां पे मिलेगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे होगा तो आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। फिर से आपको यहां पे बाइंग ट्रेड मिलती है, स्टॉप लॉस आपका फिर से 104 रुपए का है, जो कि 100 के आसपास है, तो आपको यहां पे एग्जिट करवा देगा 100 के आसपास। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं कि आपके स्टॉप लॉस 100 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। आपका कोई बड़ा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं हुआ है। यहां पे फिर से छोटा स्टॉप लॉस, मैं इनको मार्क कर देता हूं। अगर मार्क करने की कोशिश करूं तो मैं इनको मार्क कर देता हूं। यहां पे स्टॉप लॉस हुआ, फिर यहां पे इस ट्रेड में भी यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है, फिर इस ट्रेड में भी यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है, यहां भी स्टॉप लॉस हुआ है। लेकिन आप चेक करेंगे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। अब आपको मैं टारगेट दिखाऊंगा। यहां देखिए दोस्तों, इतने स्टॉप लॉस के बाद में हमें यहां पे फाइनली एक टारगेट मिला है। टारगेट हमें, इसको मैं यहां पे लेके आता हूं, जहां पे हमें ट्रेड मिलती है, यहां हमें ट्रेड मिलती है और स्टॉप लॉस हमारा यहां पे है, और हमारा टारगेट दोस्तों 1/4 के रेशो के साथ इंट्राडे के अंदर आ चुका है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमारा 4 से ज्यादा का होगा या 4 के बराबर का होगा, जो कि 4.32 है। यह एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड हमें देखने को मिल चुका है। 205 रुपए का हमें टारगेट मिला है, स्टॉप लॉस मात्र 47 पॉइंट का था, हमें यहां पे टारगेट देखने को मिला है। हमारी यह पहली सक्सेसफुल ट्रेड है। उसके बाद में हमें यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन मिलती है, यह भी हम बनाएंगे। इतनी बड़ी कैंडल के साथ पोजीशन मिली है, फिर भी हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना है। हम इसके ऊपर उसके हिसाब से ही काम करेंगे। हम इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यह बहुत लंबा टारगेट है, इनके अंदर कैंडल्स थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। यहां देखिए, ये पर्पल कलर का निशान आपको दिख रहा है, यहां पे इसने एग्जिट किया है। ये देखिए दोस्तों, इस पर्पल कलर के एग्जिट के साथ यहां से इसने ट्रेड से एग्जिट दे दिया है। यह कितने दिन बाद एग्जिट दिया है ये आप चेक कर लीजिए। यहां पे हमें ट्रेड मिलती है 25 तारीख को और एग्जिट होता है 3 अक्टूबर को, तो 25 से 3 करीब इसने 8 दिन के अंदर यह टारगेट दिया है। और आप देख लीजिए टारगेट कितना बड़ा है, वो भी 5 मिनट चार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। 5 मिनट चार्ट पे
667 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस मात्र 162 पॉइंट का था, आपको इतना बड़ा टारगेट देखने को मिल चुका है। अब फिर से देखते हैं यहां पे कौन सी ट्रेड मिलती है, फिर से यहां पे बाइंग मिली, फिर से यहां पे स्टॉप लॉस हो गया, इसको मार्क कर देते हैं, फिर से यहां पे बाइंग मिली है। अब यहां पे बाइंग मिली है, बाइंग के लिए यहां पे लॉन्ग पोजीशन ड्रा करेंगे, यहां बाइंग मिली है और यहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस हमने अबेंडन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा दिया है। यहां पे हमें टारगेट मिला है और टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। टारगेट इसके अंदर मिला है हमें 6.23 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ। हमारा रिस्क इसके अंदर 1 पॉइंट का है और रिवार्ड हमारा 6.23 का है। अगर हमें एक रुपए का स्टॉप लॉस यहां पे देखा है तो हमें टारगेट उससे 6 गुना ज्यादा का है। मिनिमम हमारा मैंने बताया था 4 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, लेकिन इसके अंदर हमारा 6 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को मिला है। टारगेट हमारा 298 पॉइंट का है, 5 मिनट के ऊपर यह एक बहुत अच्छा टारगेट है। नॉर्मली अगर हम अपनी स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो हम इतना बड़ा टारगेट तो नहीं उठा सकते। फिर से हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देखने को मिला है, आप चेक कीजिए यहाँ पे सेलिंग मिलती है, स्टॉप लॉस होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। गैप यहाँ पे गैप अप के बाद में भी इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रह गया है, क्योंकि अगले ही दिन इसने मार्केट के जो पहली कैंडल के हाई पे इसने एग्जिट करवा दिया है। उसके बाद बारी आती है एक ऐसी ट्रेड की जो आपके लिए असंभव कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स आप ढूंढ ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कि ऐसी ट्रेड कब मिलेगी जब तक आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे। फिर से इसने 300 पॉइंट का टारगेट दे दिया है। अब आपके स्टॉप लॉस कम हो रहे हैं, आपके टारगेट ज्यादा हो रहे हैं। एक दौर होता है दोस्तों, उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस होते हैं, उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आप उस टाइम अपना जो पैसा बचा लेते हैं मार्केट से, मार्केट में गंवाने से बचा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है और वह आपको एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ही दे सकती है। अगर आप सक्सेसफुली किसी स्ट्रेटजी पे विश्वास करते हैं तो वह स्ट्रेटजी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देती है। लेकिन स्ट्रेटजी कामयाब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर स्ट्रेटजी इस तरीके का प्रॉफिट या टारगेट नहीं देती है। आप चेक कीजिए यहाँ भी आपको 300 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। क्या आपने अभी तक अपना लॉस रिकवर नहीं किया? इसके अंदर आपको जितने भी स्टॉप लॉस हुए हैं आपने देखा होगा वह 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट मैक्सिमम इसके अंदर लॉस हुआ था। आप 3 से 4 ट्रेड के अंदर उनको रिकवर कर चुके होंगे। अब बारी आती है एक बहुत बड़ी ट्रेड की, यहाँ पे हमें फिर से एक लॉन्ग पोजीशन मिल चुकी है, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मिलती है, हमारा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के लो का और टारगेट होता है यहाँ पे फिर से हमें 300 पॉइंट का टारगेट, बैक टू बैक टारगेट मिल रहे हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस की बात करें तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी साथ के साथ हमें हो रहे हैं, लेकिन क्या इनका फर्क पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो पे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। अपने दिमाग से हम इतना बड़ा प्रॉफिट या इतने सारे लॉसेस नहीं झेल सकते, छोटे हैं लेकिन लॉस को झेलना बहुत बड़ी बात होती है। यहां पे देखिए 5.69 हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहां पे आ चुका है। हमें जितने भी लॉस मिले हैं हम उनको बड़ा तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिट हम बनाएंगे तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट कभी मिल जाता है, तो कभी हमें मैक्सिमम टाइम 50 या 60 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिलता है। आपने कभी बैंक निफ्टी के अंदर 200 से 300 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिए होंगे, और कभी लिए होंगे तो उसको आपने स्टॉप लॉस में उड़ा दिया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऐसे ही देख जाते हैं, जबकि मार्केट की उस डायरेक्शन में जाने की उम्मीद भी नहीं होती। आप 3 महीने के अंदर बैक टेस्टिंग देखिए, ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आपको 3 महीने के अंदर इतना पैसा बना के इसने दिया है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, चाहे वह रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा है या फिर कहें कि स्टॉप लॉस की बात करें कि स्टॉप लॉस छोटे हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर बाकी स्ट्रेटजी से अलग है। तो दोस्तों इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, यह आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दी है। अगर आप खुद भी इस पे काम करना चाहते हैं आप मैनुअल भी इसमें कर सकते हैं। जैसे ही अबेंडन कैंडल मिलती है उसका लो कटने पे ट्रेड ले लेते हैं, तो आप देखिए
रिस्क टू रिवार्ड जो 4.49 का यहाँ पे दिख रहा है, आपको कहीं भी रिस्क टू रिवार्ड इसमें 4 से कम का तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से इसके अंदर सेट कर रखा है ट्रेड कटेगी ही नहीं जब तक रिस्क टू रिवार्ड 4 से कम है। टारगेट हमारा इसमें फिर से 232 पॉइंट का आ चुका है। सिर्फ 5 मिनट पे इतने बड़े बड़े टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी ट्रेड की, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उतना बड़ा आप टारगेट इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसने एग्जिट दिया है और बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, और आपने इसको होल्ड किया है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 109 रुपये का और टारगेट आपको 446 रुपये का। दोस्तों इतना बड़ा टारगेट और सिर्फ 16 अक्टूबर से ट्रेड मिला था और 17 अक्टूबर को एग्जिट भी दे दिया है एक दिन के अंदर दोस्तों 450 पॉइंट, और वो भी स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ही कम होता है दोस्तों ऐसा, आपको यहाँ पे मिल चुका है। वहाँ पे अगर इसने एग्जिट दिया है तो साथ के साथ इसने शॉर्ट के अंदर एंट्री भी दे दी है। आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट बनाते इस सिग्नल पे तो आपका स्टॉप लॉस रहता इस कैंडल के हाई का, और आपका एग्जिट इसने दिया है यहाँ पे। बैक टू बैक इसने दो टारगेट दिए हैं और वो दोनों ही जबरदस्त टारगेट हैं, दोनों का टारगेट 400 प्लस पॉइंट्स का है। तो देखिए दोस्तों दो दिन के अंदर 16 तारीख को ट्रेड मिलती है, पहली ट्रेड ने 450 पॉइंट का और दूसरी ट्रेड ने फिर से 450 पॉइंट का ट्रेड दे दिया है। तो दो दिन के अंदर आप 900 पॉइंट निफ्टी के अंदर बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रेटजी को फॉलो करने से। इतने बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिले हैं। आप देखिए आपके जो स्टॉप लॉस शुरू के अंदर हुए हैं वे तो कब के ही रिकवर हो चुके हैं, एक टारगेट ने सारे के सारे स्टॉप लॉस रिकवर किए हैं। हर एक टारगेट अपने आपके अंदर एक मिसाल है दोस्तों। इसके अंदर आप चेक कीजिए आपके जो रिस्क टू रिवार्ड हैं 4 से ऊपर हैं, स्टॉप लॉस छोटे छोटे हैं और टारगेट आपके कितने बड़े हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है ये, आप इस पे काम कीजिए आपको यकीनन बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके अंदर एक ट्रेड आपको और दिखा देता हूँ और इसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कितना बड़ा आपको मूव कैप्चर करवाया है इस स्ट्रेटजी ने। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सिर्फ इसमें 4 का है और टारगेट आपका 474 का है, स्टॉप लॉस 117 पॉइंट का। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जो आपको प्रॉफिट भी दे और आपका जो पोर्टफोलियो उसे सुधर सके, ताकि आप बेहतर फ्यूचर बना सको अपना और अपनी बच्चों का। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगे हुए हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, हमें फॉलो कीजिए, हमें अपना सहयोग दीजिए। आप हमारी वीडियो के अंदर कोई कमी हो तो आप उसके अंदर कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप उसके अंदर बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या सुधार लेके आना है। इस तरीके से आपको भी इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा और हमें भी इसके अंदर थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।